नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से ही अतीक का परिवार तबाह हो चुका है। एक तरफ जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन नामजद होने के बाद से ही लगातार फरार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बेटों का भी हाल बेहाल है। दो बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं, तीसरे बेटे असद का इनकाउंटर हो चुका है, तो वहीं दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं, जिसमें से एक बालिग हो चुका है, जिसे लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के बेटे अहजम अहमद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अहजम की रिहाई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा अहजम अहमद बालिग हो चुका है। बालिग होने की वजह से अब उसे बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बाल कल्याण समिति माफिया अतीक के बेटे अहजम को रिहा करती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी? उमेश पाल शूट आउट केस की जाँच में पुलिस को पता चला था की वारदात में जो आईफोन इस्तेमाल किए गए थे, उनकी कोडिंग अतीक के बेटे अहजम ने ही की थी। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी अपने बयान में ये बात पुलिस को बताई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक अहजम को आरोपी नहीं बनाया। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद प्रयागराज पुलिस को अहजम और उसका छोटा भाई आबान लवारिस हालत में घर के पास घूमते हुए मिले। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने इन दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कर दिया था। 4 मार्च से अतीक के ये दोनों बेटे प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में स्थित बाल संरक्षण गृह में ही हैं। अतीक के बाल संरक्षण गृह में रखे गए बेटों के बारे में 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बताया जाना है कि बच्चों के बारे में क्या फैसला लिया गया है। अतीक अहमद की एक बहन ने इन दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी। बाल कल्याण समिति अभी तक इन बच्चों के बारे में फैसला नहीं ले सकी है। प्रशासन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। नियम के मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके बालिक को बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जाता। अब देखना होगा कि बाल कल्याण समिति यानी CWC इन बच्चों के बारे में क्या फैसला लेती। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।